नमस्कार, स्वागत है आपका आपके के अपने YouTube चैनल BPS लस्सी पर। आज मैं आपके सामने दिल्ली सल्तनत से संबंधित यानी कि लास्ट वंश लेके आया हूँ, जिसका नाम है लोधी वंश। आइए आज अध्ययन करते हैं लोधी वंश के बारे में। जैसे कि मैंने पूर्व वीडियो में बताया था कि जो अंतिम सैयद वंश के शासक था यानी कि आलम शाह, उसने अपनी स्व इच्छा से यानी कि अपना शासन त्याग दिया और अपने योग्य सेनापति यानी कि बहलोल लोधी को शासन की कमान संभाली लगभग 1451 ईस्वी के अंदर। आइए अब अध्ययन करते हैं बहलोल लोधी ने किस प्रकार से लोधी वंश की सुदृढ़ नींव रखी, इसके बारे में। जैसे अभी बोला है मैंने, आलम शाह सैयद वंश का अंतिम शासक था जिसने अपनी स्वयं इच्छा के अनुसार यानी कि अपना साम्राज्य त्याग दिया और अपने योग्य सेनापति जिसका नाम है बहलोल लोधी, इसको अपना सारा शासन भार दे दिया। बहलोल लोधी ने जो शासन काल है वो 1451 ईस्वी से लेकर के 1489 ईस्वी तक का बनता है, लगभग 38 वर्ष में इसका शासनकाल बढ़ता है। इतने समय के अंदर इसने दिल्ली सल्तनत में या फिर लोधी वंश के लिए बहुत ही सुदृढ़ या आधारशिला रखी। अपने साम्राज्य विस्तार के लिए इसने जौनपुर के आक्रमण को रोका और भी काफी शासकों का आक्रमण रोक के इसने यानी कि लोधी वंश की नींव काफी अच्छी रखी। इसके बाद में हम बात करें इसके पुत्र यानी के निजाम शाह की, तो निजाम शाह का शासनकाल है वो 1489 ईस्वी से स्टार्ट होता है और 1517 ईस्वी तक आकर खत्म होता है। निजाम शाह ने शासक बनते एक उपाधि धारण की थी जिसे सिकंदर शाह की उपाधि के नाम से पुकारते हैं। आइए अध्ययन करते हैं सिकंदर शाह ने अपने साम्राज्य को किस प्रकार से आगे बढ़ाया या फिर लोधी वंश को किस प्रकार से दुनिया के सामने लेके आया। तो इसका जो साम्राज्य विस्तार था यानी कि निजाम शाह या फिर जिसका नाम सिकंदर शाह भी है, तो इसका साम्राज्य था तिरुत, बिहार, बंगाल, इटावा, बैना, कोल, ग्वालियर, धौलपुर, इस सभी क्षेत्रों में कहा जाए तो यानी उत्तर से लेकर के पूर्व तक इसका जो साम्राज्य विस्तार था सिकंदर शाह का, इस इतने बड़े विशाल साम्राज्य को हैंडल करने के लिए इसने अपनी एक राजधानी थी यानी कि दिल्ली से बदलकर आगरा को बना दिया। यानी आगरा नगर की जो स्थापना है वो 1506 ईस्वी में सिकंदर शाह के द्वारा की गई थी और इसे अपनी राजधानी बना लिया था। क्यों बनाया था? क्योंकि तिरुत, बिहार, बंगाल इन सभी क्षेत्रों पर जो शासन है वो दिल्ली से बैठ कर अच्छी तरह से नहीं हो पा सकता था, इसलिए इसने अपनी नई राजधानी आगरा को बनाया यानी कि 1506 में आगरा नगर की स्थापना कर दी सिकंदर शाह के द्वारा। आगे हम बात करें सिकंदर शाह ने अपने राजस्व की वृद्धि करने के लिए यानी कि कृषि पर अच्छी तरह से टैक्स व्यवस्था को लागू किया। इसके साथ साथ इसने भूमि कर के साथ साथ भूमि की पैमाइश यानी कि नाप करने के लिए भी गज चलाया। वो गज 30 इंच का था, उसका नाम था सिकंदरी गज, जो कि आज भी प्रचलन में आ रहा है। यानी कि सिकंदरी गज की शुरुआत भी सिकंदर शाह ने की थी और सिकंदरी गज के अंदर कितने इंच थे तो 30 इंच हुआ करते थे, जिसका प्रचलन आज भी काफी ज्यादा संख्या में हो रहा है। इसके बाद हम करें साहित्य लेखन में या फिर शायरी लेखन में भी कविता लिखने में काफी एक्सपर्ट था, लेकिन ये अपनी जो शायरी या कविताएं था वो सिकंदर शाह या फिर निजाम शाह के नाम से ना लिख करके गुदरू खां के नाम से कविताएं लिखता था। तो आगे हम बात करें इसके बाद में जो इसकी मृत्यु है लगभग नवंबर 1517 ईस्वी में होगी। यानी के जो निजाम शाह है इसका जो शासन काल है वो 1489 ईस्वी से लेकर के 1517 ईस्वी तक रहा। इसके बाद में जो इसका उत्तराधिकारी था जो इसका दूसरा पुत्र था यानी जिसका नाम है इब्राहिम लोधी, इब्राहिम लोधी के बारे में देखते हैं। इब्राहिम लोधी का जो शासन काल है वो 1517 ईस्वी से लेकर के 1526 ईस्वी तक रहा। इब्राहिम लोधी के सामने काफी बड़ी समस्याएं हैं, किस प्रकार से इसके बारे में अध्ययन करते हैं आगे। तो इसका राज्याभिषेक है नवंबर 1517 ईस्वी में आगरा में किया गया। इसके बाद में जैसे ये शासक बना तो इसके सामने मेवाड़ के हिंदुकुश राजा जन के महाराणा सांगा बहुत ही विशाल साम्राज्य लेकर के खड़े थे, जिससे मुकाबला करना इब्राहिम लोधी के लिए काफी टेढ़ी खीर थी। इसीलिए यानी कि इब्राहिम लोधी और राणा सांगा के मध्य में 1517-18 ईस्वी में बहुत ही भयंकर युद्ध होता है, जिसके अंदर अफगानियों की जाकर बोल ले तो इब्राहिम लोधी की बहुत ही शर्मनाक हार होती है और जो महाराणा सांगा है उसने अपने साम्राज्य को काफी आगे तक बढ़ा लिया था। कहा जाता है कि जो धौलपुर और बैना का क्षेत्र है तो इस क्षेत्र को सारे को महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी से छीन लिया था, फिर जीत लिया था। अभी महाराणा सांगा के भय का इसे खतरा टला नहीं था, तभी यानी के मुगल शासक जो यानी के प्रथम मुगल शासक था बाबर, बाबर ने भी आकर के इब्राहिम लोधी पर यानी कि दिल्ली पर आक्रमण कर दिया। वह आक्रमण विश्व इतिहास के अंदर बहुत ही प्रसिद्ध रहा, या फिर जिसे आजकल हम पानीपत के प्रथम युद्ध के नाम से पुकारते हैं। पानीपत का जो मैदान था इसके अंदर यानी कि इब्राहिम लोधी
और बाबर की सेना, इसे अगर दूसरी भाषा में बोला जाए जातिवाद के आधार पर, एक साइड में अफगान सेना थी, दूसरी साइड में मुगल सेना थी, दोनों और की जो सेना थी वो पानीपत के मैदान में आ डटी। पानीपत का मैदान वर्तमान में हरियाणा के अंदर है। लगभग बहुत ही ज्यादा भयंकर गर्मी भी पड़ रही थी। लगभग तारीख थी वो 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। युद्ध की शुरुआत इब्राहिम लोदी के द्वारा की गई, अफगानियों के साथ की गई। कहा जाता है कि अफगानी सेना जावे इब्राहिम लोदी की सेना सिर्फ 2 दिन ही बाबर की सेना का मुकाबला कर पाई। एक विशाल साम्राज्य की सेना सिर्फ 2 दिन मुकाबला कर पाई। इसका कारण क्या था? इसके पीछे कारण था बाबर की जगह मुगलों की तोपखाने की व्यवस्था। यानी कि अगर हम बात करें भारत के इतिहास में सर्वप्रथम अगर तोपखाने का प्रयोग हुआ तो वह पानीपत के प्रथम युद्ध के अंदर हुआ, लगभग 1526 ईस्वी में। इसके साथ साथ मुगलों के पास एक बहुत ही युद्ध कला में निपुण पद्धति थी, जिसे हम दुर्गमा पद्धति के नाम से पुकारते हैं। इस युद्ध पद्धति का भी प्रथम बार भारत के अंदर बाबर के द्वारा प्रयोग किया गया। एक तोपखाना, गोला बारूद, दूसरी दुर्गमा पद्धति। इस पद्धति के सामने भारतीय सेना बोलो, अफगानी सेना बोलो, या फिर इब्राहिम लोदी की सेना बोलो, वो ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और इब्राहिम लोदी की इस युद्ध के अंदर मृत्यु हो गई या फिर हार हो गई। लगभग 1526 ईस्वी के अंदर दिल्ली सल्तनत का अंत आ गया और एक नए राजवंश या फिर एक नए वंश की शुरुआत होती है, वह मुगल वंश, जिसकी शुरुआत लगभग बाबर के द्वारा 1526 में कर दी जाती है। कहा जाता है कि इब्राहिम लोदी की मृत्यु के बाद में जो इसकी पत्नी और इसकी जो माँ थी, उसको जो शासन था लगभग आगरे का, यानी कि जितने भी आगरा नगर था, आगरा नगर का जो रियासत शासन था वो उन्हें बनाए रखा। यानी कि बाबर ने इब्राहिम लोदी के बाद में उसके परिवार के साथ भी अच्छा व्यवहार किया, बुरा व्यवहार नहीं किया। तो ये तो था लोदी वंश। आगे हम बात करें, हमारा जो टॉपिक है, जो अध्याय है, वह दिल्ली सल्तनत चल रहा है, जिसका शासन काल लगभग 1206 ईस्वी से लेकर के 1526 तक रहा। जिस वंश की शुरुआत या फिर दिल्ली सल्तनत की शुरुआत 1206 में कुतुबुद्दीन ऐबक ने की थी और इसका जो अंत है वो इब्राहिम लोदी के समय में लगभग 1526 ईस्वी में हुआ। लेकिन 1206 से लेकर के 1526 ईस्वी तक के शासन काल के दौरान दिल्ली सल्तनत के शासकों ने किस प्रकार से अपने साम्राज्य को सुदृढ़ किया जा और किस प्रकार से अपने शासन व्यवस्था को बनाए रखा, इसके लिए कुछ एक महत्वपूर्ण बातें हैं। ये है दिल्ली सल्तनत का प्रशासनिक व्यवस्था। प्रशासन व्यवस्था उस समय किस प्रकार की थी? जो प्रशासन का जो मुख्य हुआ करता था वह सुल्तान के नाम से पुकारा जाता था। हालांकि सुल्तान की जो उपाधि है वह यानी कि तुर्क शासकों के द्वारा या फिर इस्लाम के अंदर जो खलीफा है, धर्मगुरु है इस्लाम का, उनके द्वारा आगे अपने सेनापतियों को दी जाती है। लेकिन दिल्ली सल्तनत के शासकों ने इसे जल्दी तक नहीं प्राप्त किया, लेकिन महमूद गजनवी के द्वारा सुल्तान की शासन यानी सुल्तान की उपाधि प्रथम बार अपनाई गई थी। कहा जाए तो यानी कि प्रथम बार सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला कौन सा शासक था? वो महमूद गजनवी था। आगे इसके अंदर बात करें, दो नंबर पर सुल्तान के बाद यानी जिसके पास शक्ति ज्यादा हो गई थी वह था अमीर वर्ग। अमीर वर्ग भी अगर दो भागों में बटा हुआ था, एक तुर्क अमीर, दूसरे गैर तुर्क अमीर। कहा जाए तो यानी कि तुर्क अमीर तो वह जो यानी कि अपने पूर्वजों यानी कि अफगानिस्तान या फिर ईरान के एरिए से आए हुए थे, और गैर तुर्क यानी जो भारत में रह गए लोग थे, यानी कि वो उसे आप शिया मुसलमान भी बोल सकते हो, मुसलमान दो शाख हैं, एक शिया और सुन्नी। यानी कि जो सुन्नी मुसलमान है वो कट्टर तुर्क हुआ करते थे, जो शिया मुसलमान है लगभग उनके अंदर जो हृदय था वो भारतीय तक ही था। आगे हम बात करें इनके अंदर, तो अमीरों के पास इतनी ज्यादा शक्ति या पावर हुआ करती थी, विजय शासन की सारी शासन व्यवस्था थी, वह सुल्तान को ये सलाह देते थे किस प्रकार का अपने कार्य करना है, किस प्रकार का कार्य नहीं करना है। और अमीर वर्ग की शुरुआत है या फिर इनके आगे सत्ता की चाबी है वह और किसी ने नहीं दी थी, दिल्ली सल्तनत के दूसरे शासक यानी कि इल्तुतमिश ने दी थी। कहा जाता है कि इल्तुतमिश ने अपने साम्राज्य को संचालित करने के लिए अमीरों को शक्ति ज्यादा दे दी और लगभग 40 अमीरों का एक दल या एक समूह बुला दिया, जिसे दल चेहरगानी या फिर दल चालीसा के नाम से पुकारा जाता है। और इसके साथ साथ अमीरों के साथ साथ दूसरा वर्ग था उलेमा वर्ग, यानी कि धर्मगुरुओं का वर्ग था, यह भी समय समय पर सुल्तान को अपनी राय दिया करते थे। आगे हम इसके अंदर बात करें यानी कि केंद्रीय प्रशासन को किस प्रकार से हैंडल किया जाता था, तो एक प्रकार की मंत्रिपरिषद हुआ करती थी। मंत्रिपरिषद के अंदर अलग अलग विभाग हुआ करते, जिस प्रकार से वर्तमान समय में आप देखते हो मंत्रियों के पास अलग अलग विभाग डिपार्टमेंट होते हैं, उस प्रकार के विभाग जब इनकी जो स्थापना है वो दिल्ली सल्तनत के समय में की गई थी। उस समय कौन से विभाग को क्या नाम दिया गया था, इसके बारे में हम बात कर लेते हैं। सर्वप्रथम बात करते हैं वजीर। वजीर कौन हुआ करता? वजीर बोले तो वर्तमान समय का वित्त मंत्री, यानी कि उस समय जो वजीर हुआ करता इसका प्रमुख कार्य हुआ करता था
वित्त मंत्रालय की देखरेख करनी, राजस्व एकत्रित करना और जाकर कोष में यानी कि राजा के पास जमा करवाना है। वजीर का प्रमुख कार्य हुआ करता था जिसे उस समय वित्त मंत्री या वित्त मंत्रालय के नाम से भी जाना जाता था। आगे हम बात करें इसके दीवान ए इंशा की। दीवान ए इंशा यानी कि शाही परिवार हुआ करते थे, यानी कि जो चिट्ठियां थी यानी कि शाही परिवार का पत्र व्यवहार हुआ करता था, इसको आदान प्रदान करने का जो विभाग था वह दीवान ए इंशा के नाम से उस समय पुकारा जाता था दिल्ली सल्तनत के काल के अंदर। आगे हम इसमें बात करें दीवान ए रियासत के नाम से पुकारा जाता राज्य, यानी कि एक राज्य ने दूसरे राज्य के साथ बातचीत करने का जो माध्यम था वह यानी कि एक प्रकार का विदेश मंत्रालय हुआ करता था। उस समय विदेश मंत्रालय को यानी कि दीवान ए रियासत के नाम से भी पुकारा जाता था। आगे इसी के अंदर आता है सदर व सुदूर। सदर व सुदूर का मतलब था धर्म विभाग, यानी कि उस समय जिस प्रकार से वर्तमान समय के अंदर भी धर्म का काफी बोलबाला है, हालांकि कहने को तो हमारा भारत पंच निरपेक्ष जाकर धर्म सहिष्णुता का पालन करता है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं धर्म और जाति का पालन आज भी हमारे सामने है। उस समय भी धर्म ज्यादा संख्या में बटे हुए थे, इसलिए धर्मों के लिए एक अलग सा विभाग बनाया गया था, उसे सदर व सुदूर के नाम से पुकारा जाता था। इसके बाद आगे हम बात करें बरीद ममालिक की, यानी कि सूचना का आदान प्रदान करना, कम्युनिकेशन स्थापित करना, यानी कि सुल्तान की बात अमीरों तक और अमीरों की बात आगे जनता तक या फिर प्रजा तक पहुंचाने का जो माध्यम था वह और नहीं था कोई बरीद ममालिक की हुआ करता था। आइए एक बार फिर इसका थोड़ा सा अध्ययन कर लें, यानी कि आज हमने बात की लोधी वंश की। लोधी वंश का जो शासन काल है वह 1451 ईस्वी से लेकर 1526 ईस्वी तक रहा। लोधी वंश की जो शुरुआत है या इसका जो प्रथम संस्थापक है वह और नहीं कोई था, वह लोह लोधी था। लोधी का जो शासन है वो अंतिम सिंहवंश के शासक आलम शाह के बाद में स्थापित होता है। लोधी के बाद में इसका जो पुत्र आता है निजाम शाह जो सिकंदर शाह की उपाधि धारण करता है और सिकंदरी गज भूमि के नाप के लिए शुरू करता है। सिकंदरी गज के अंदर 30 इंच हुआ करते थे। सिकंदर ने यानी कि 1506 ईस्वी में आगरा नगर की स्थापना की थी। सिकंदर शाह यानी कि गुलरु खान के नाम से कविता या फिर साहित्य भी लिखा करता था। आगे हम बात करें इसी के अंदर इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लगभग 1517 ईस्वी में शासक बना, इसका राज्याभिषेक आगरा में किया गया, लेकिन शासक बनते इसके सामने मेवाड़ के बहुत ही विशाल यानी के साम्राज्य के संस्थापक महाराणा सांगा के साथ में इसमें खतरनाक का युद्ध होता है 1518 में। इसकी बहुत ही खतरनाक हार होती है। इसके कुछ समय बाद में यानी के मुगल शासक बाबर के द्वारा पानीपत के मैदान के अंदर अफगान सेना जाकर इब्राहिम लोधी के सैनिक बहुत ही बुरी तरह पराजित कर दिया जाता है और युद्ध करते हुए इब्राहिम लोधी की मृत्यु हो जाती है 1526 ईस्वी के अंदर। आगे इसके बाद में हमने बात की है दिल्ली सल्तनत में यानी कि प्रशासन व्यवस्था की। प्रशासन व्यवस्था को मैंने बताया दिया है, दल चाली सब हुआ करता था, सदर सुदूर भी हुआ करता था। अगर आप इस वीडियो को एक बार अच्छी तरह से देखो मेरे ख्याल से आपको समझ आ गया होगा। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज कमेंट लाइक शेयर और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए।